तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए टॉप 3 बेस्ट MIUI 12 थीम की एक और न्यू स्पेशल वीडियो। और इस तरह की वीडियो में बात करते हैं कुछ अमेजिंग UI वाली थीम्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे Mi 11 का वॉलपेपर अगर आप अपनी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह का म्यूजिक एल्बम कवर स्टाइल चाहते हैं या फिर दोस्तों आप चाहते हैं काफ़ी कमाल की क्लॉक विजिट को ट्राई करना अपने होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के लिए या फिर दोस्तों आप काफ़ी ब्यूटीफुल से काफ़ी कलरफुल से कंट्रोल सेंटर को ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 100। आई होप कि आप इसे आसानी से कम्प्लीट करा देंगे। दोस्तों मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो फर्स्ट थीम है उसका नाम है रियल यू और इसके जो डिजाइनर हैं उनका नाम है रोहित सिंह चौहान। तो इसका जो लुक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का वॉलपेपर है, ब्लू पिंक कुछ इस तरह का कलर दिया गया है, काफ़ी ब्लैक सा भी है और यहाँ पर आपको क्लॉक विजिट काफ़ी अच्छी मिलती है, कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है जिसमें ग्रीन ब्लू येलो कुछ इस तरह के टाइल्स दिए गए हैं, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मिल जाता है। ये थीम डार्क मोड को भी सपोर्ट करती है और इसलिए आप चलते हैं डायल पैड में, तो डायल पैड का UI आपको डार्क मोड में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ चलते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स का भी लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह के आपको आइकन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर सेटिंग्स में दिया गया है। साथ में आइकन पैक की बात कर लें तो इसका आइकन पैक भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लॉक विजिट है ना, क्लॉक विजिट की 2 स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे ही आप टैप करेंगे तो दूसरी जो स्टाइल है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन है जिससे आप जो टाइम वाला बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यहाँ पर टैप करते हैं इस गर्ल वाले विजिट के नीचे तो यहाँ पर एक और बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है इसमें कि आप क्लॉक विजिट स्टाइल 2 तरह की हैं। और लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन वगैरह आता है, जैसे आप नेक्स्ट वगैरह करेंगे और यहाँ पर इस तरह से करके आपको कुछ इस होम स्क्रीन वाला ही वॉलपेपर मिल जाता है। टॉप पर क्लॉक विजिट है और इसमें आपको एक एनिमेशन भी जूम वाला देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप फ़ोन को लॉक अनलॉक करते हैं उस टाइम पर। और इसमें एक और सेकेंड स्क्रीन दी गई जिसमें आपको और भी शॉर्टकट मिल जाएंगे, आपको नोट्स का ऐप जो ऐप शॉर्टकट है, व्हाट्सएप का ऐप शॉर्टकट है, कैलेंडर विजिट है, यहाँ पर क्लॉक स्टाइल भी दी गई है। तो ये सारे ऑप्शन आपको ये सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। इस लिस्ट की जो सेकेंड थीम है इसका नाम है डीप सी और इसके डिजाइनर भी रोहित सिंह चौहान है। इसका भी लुक आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वॉलपेपर है मुझे काफ़ी पसंद आया, ये बोट वाला जो रिवर बोट वाला वॉलपेपर है, आधा आपको ब्लैक मिलता है और दूसरी साइड में आपको काफ़ी ब्लू ग्रीन सा लुक देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर भी मुझे इसका काफ़ी पसंद आया, इसमें आप देख सकते हैं ड्यूअल टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलता है बैकग्राउंड में। और साथ में इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है ये मुझे सबसे अच्छा लगा है, यहाँ पर आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा लुक दिया गया है। डायल पैड UI की बात कर लें तो यहाँ पर डायल पैड का UI आपको ये देखिए, ये बटन जो हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं, अधिकतर थीम्स में इस तरह का लुक देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स आपको कुछ डिफ़ॉल्ट टाइप का ही लुक देखने को मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है, थोड़े से लाइन वगैरह यहाँ पर बीच में ऐड कर दी गई हैं। अब यहाँ पर जो आइकन पैक है ये ज़रूर पसंद आएगा आपको, आइकन पैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब यहाँ चलते हैं लॉक स्क्रीन पर क्या कुछ लुक है, तो लॉक स्क्रीन पर सेम आपको वॉलपेपर मिल जाता है जो होम स्क्रीन पर है और इसमें भी आपको जो क्लॉक विजिट का एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो सबसे खास देखने को मिलता है वो है इसका म्यूजिक वाला ऑप्शन, तो म्यूजिक वाला पूरा पेज आता है, जब भी आप किसी म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं तो इस तरह से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो एक पूरी स्क्रीन में जो एल्बम कवर आता है म्यूजिक का वो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक और यहाँ पर जो स्क्रीन है सेकेंड स्क्रीन, उस पर आपको काफ़ी ऐप शॉर्टकट दिए गए हैं, बिल्कुल आईफोन स्टाइल यहाँ पर जो देने की कोशिश की गई है। तो देखिए यहाँ पर टॉप पर काफ़ी सारे ऐप शॉर्टकट हैं और ये कुछ विजिट हैं, वेदर विजिट हुई, क्लॉक विजिट हुई, स्कैनर जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं।
और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन में भी, मैं बताना भूल गया, होम स्क्रीन में भी क्लॉक विजेट एनिमेशन है। अब इस लिस्ट की जो लास्ट थीम है उसका नाम है मी ए आई यू आई और इसके जो डिजाइनर का नाम है वो है सोनी डब्लू। तो इस नाम से आप सर्च कर लीजिए, ये सारी थीम्स आपको थीम ऐप पर मिल जाएंगी। बाई नेम, बाई डिजाइनर नेम आप सर्च कर सकते हैं। होम स्क्रीन का वॉलपेपर मी 11 वाला आपको देखने को मिल जाता है। क्लॉक विजेट काफ़ी आपको iOS स्टाइल में देखने को मिल जाती है। तो ये जो वॉलपेपर है और यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है, ये मुझे सबसे खास लगा इस थीम का। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन, रेड और जो येलो, ब्लू, इस तरह का काफ़ी, मतलब काफ़ी हॉट सा, काफ़ी कूल सा वॉलपेपर आप जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी नोटिफिकेशन पैनल का भी लुक आप देखेंगे तो आपको ये थीम बिल्कुल पसंद आने वाली है। कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का लुक दिया गया है और यहाँ जो डायल पैड का लुक है तो वो आपको ये डार्क मोड में दिख रहा है। तो ये थीम डार्क मोड को भी सपोर्ट करती है और इसके जो सेटिंग का लुक है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई यहाँ पर बात होम स्क्रीन की। और यहाँ पर एक और जो चीज़ है कि इसमें भी क्लॉक विजिट दो तरह की मिल जाती हैं। आइकन पैक भी आपको इस थीम का काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसके साथ ही अब चलते हैं इसकी लॉक स्क्रीन पर। तो लॉक स्क्रीन पर क्या कुछ लुक है, तो लॉक स्क्रीन पर आपको मी 11 का डार्क वाला वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। तो होम स्क्रीन पर भी मी 11 का नॉर्मल वाला वॉलपेपर, यहाँ डार्क वाला वॉलपेपर, तो ये कुछ लुक मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं टॉप 3 बेस्ट MIUI 12 थीम। और इन थीम में से कोई भी थीम पसंद आई हो, कोई भी फीचर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।